हरे कृष्णा व्यूवर्स, राधे राधे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो भी मैं अपने किशोरी जी के लिए, जन्माष्टमी के लिए जो भी मैं शॉपिंग करूंगी, मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगी। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे राधा रानी के हेयर विग के बारे में और कुछ अटैचमेंट्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अपने राधा रानी के श्री विग्रह का वीडियो शेयर किया था, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। हम बात करेंगे आज की वीडियो में राधा रानी के विग के बारे में, क्यों ये विग स्पेशल है, विग में क्या है लोग कहेंगे ना, बट विग ये क्यों स्पेशल है आगे वीडियो में देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमारी श्रीमती राधा रानी आ चुकी हैं, तो उनके लिए मैंने ये हेयर विग बनवाया था। कहाँ से बनवाया है, कैसे बनवाया है, क्या स्पेशलिटी है, सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आप देख सकते हो ये हमारी श्रीमती राधा रानी का इस्कॉन स्टाइल में हेयर विग है, जो कि मैंने ब्रजेश्वरी श्रृंगार से उनके क्या बोलते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने उनके बारे में शेयर किया है। ये भी पहले ये जान लो ना कि ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई भी वीडियो को प्रमोट, कोई भी मीन्स किसी को भी यहाँ पे प्रमोट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो रियलिस्टिक है, जो रियल है, जो मुझे मीन्स मुझे जो भी चाहिए बेस्ट चाहिए, भले मैं उसके लिए कितना भी वेट करूँ वो चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मुझे चीज़ें रिसीव होती हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जहाँ से लेती हूँ वो भी बता देती हूँ ताकि आपको लेना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो हेयर विग है ना, ये प्रॉपर स्कॉन स्टाइल जो हेयर विग होता है उस लुक में रेडी किया गया है। प्राइस वगैरह सब कुछ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये हमारी श्रीमती राधा रानी का हेयर विग है प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। राधा रानी के हेड सर्कमफ्रेंस को मेजर करके ये हेयर विग रेडी हुआ है। हेयर सर्कमफ्रेंस यानी कि सर की गोलाई को नाप के ये रेडी हुआ है ताकि प्रॉपर फिट आ सके। सबसे पहले ना इस हेयर विग के प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरी राधा रानी के लिए मुझे मेरा ये श्री विग्रह के जो भी ड्रेसेस होते हैं, जो भी एसेंशियल्स होते हैं, उनके साइज से उनके प्राइजेस में अप्स डाउन्स होते हैं। ये जो हेयर विग है ना, ये 10 नंबर की राधा रानी के लिए है, और ये मुझे कॉस्ट में मीन्स 1400 to 1500, हाँ 1400 to 1500, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ ना, मीन्स क्यों ये कॉस्टली है, कैसे है, क्या है, मैं अभी बताती हूँ। सबसे पहले आप क्वालिटी को देखो, जो हम नॉर्मल वाली हेयर विग मार्केट से लेते हैं ना, उस पर इतना ज़्यादा शाइन रहता है ना, मैंने वो भी यूज़ किया है अपने ठाकुर जी पे ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, उस पर इतना ज़्यादा शाइन रहता है ना कि वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता है, वो प्लास्टिक टाइप लगता है। और यहाँ पे देखो ये कितना रियलिस्टिक और कितना हेवी है, देख सकते हो ना, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और रीज़न इसकी, जब हम मार्केट से या लोकल शॉप या कहीं से भी अपने श्री विग्रह के लिए विग लेते हैं, तो क्या होता है, वो बल्क में बनाते हैं ना, तो बल्क में कोई भी आपसे, आप लेते होगे तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछता होगा, नंबर पे बनते हैं वो सब, कोई भी ये नहीं पूछता होगा कि हाँ आपके विग्रह के सर की गोलाई क्या है या कुछ भी, कोई भी प्रॉपर नंबर पे बिकते हैं वो सब, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 के अंदर में ईजिली आ जाएंगे। मैं चाहती तो मैं वो भी ले सकती थी, बट मुझे अपनी राधा रानी के लिए और कन्हैया के लिए सब कुछ बहुत मीन्स मुझे बेस्ट चाहिए, तो मैं वेट करती हूँ, सर्च करती हूँ, मुझे मिलता है तो मैं लेती हूँ और आपसे भी शेयर करती हूँ। रीज़न, पहला रीज़न ये था कि आप फिनिशिंग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत हेवी वाला हेयर है, और जो भैया हैं वो पहले आपके विग्रह के सर के मेजरमेंट को लेंगे, उसके बाद ही आपके विग्रह के लिए जो हेयर विग है वो रेडी होगा, वो ऐसे नंबर पे रेडी नहीं करते हैं ताकि प्रॉपर फिट आ सके। इतना पे करने के बाद अगर हमें प्रॉपर फिट ना मिले तो किस काम का भाई। सेकंड, इसकी जो मीन्स हेयर विग, मैंने यार कोई भी ऐसे 1500 तो पे नहीं करेगा ना, 1400-1500 जो भी हो, कन्फर्म मीन्स मैं एक्यूरेट रेट नहीं बता रही हूँ, मीन्स इसके बीच में ही आया था, तो मैंने भैया से पूछा कि आप ये बताओ कि जो मार्केट से जो हेयर विग्स मिलते हैं उससे कंपेयर टू वो विग्स से ये विग इतना कॉस्टली क्यों है, आप भी वीडियो देखोगे तो आपके भी मन में आएगा। भैया ने मुझे बताया, फर्स्टली जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके डीटीज जो हैं, आपके विग्रह हैं, उनके मेजरमेंट के हिसाब से बनता है, नंबर पर नहीं बनता। सेकेंड, इसकी जो क्वालिटी है ना, जो नॉर्मल वाली हेयर विग्स आते हैं ना उसमें मीन्स बहुत ही ओके ओके क्वालिटी का अचीव भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने भी यूज़ किया है
सो बहुत ही ओके क्वालिटी के प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है और यहाँ पे सिंथेटिक प्लास्टिक जो होता है ना वो यूज़ करके इस विग को रेडी किया जाता है ताकि बिल्कुल जो रियलिस्टिक लुक है ना हेयर का, कोई भी नहीं कह सकता कि ये आर्टिफिशियल हेयर है लुक को देख के। तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड इसकी ये मशीन से नहीं बना हुआ है, बल्क में नहीं बनता, ये आपके ऑर्डर पर रेडी होता है। तो ये हैंडमेड है, इसको हाथ से बनाया गया है। जो भी कारीगर हैं भैया ने बताया, मैंने इससे पिक वगैरह भी शेयर किया था, मैं हो सके तो यहाँ वीडियो में इंसर्ट कर दूँगी ताकि आप क्लियर हो जाओ। तो डमी होते हैं ना, डमी के ऊपर मेजरमेंट करके तब इस हेयर विग को हाथों से रेडी किया जाता है, ये मशीन से रेडी नहीं होते हैं। और इसलिए ना मार्केट वाली जो हेयर विग्स होती हैं और इस हेयर विग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई होप अभी आप क्लियर हो गए। सो ये था हमारा हेयर विग। अब हमारी राधा रानी इसे लगाएंगी तो आप देखना कि वो कैसी लगती हैं। मैंने सोचा था ना कि ये अटैचमेंट मैं अभी आपके साथ नहीं शेयर करूँ, जब श्रृंगार होगा तो ही आप देखना, बट चलो शेयर कर देती हूँ बिकॉज ऐसे मैं श्रृंगार वीडियो में डिटेल में इसके बारे में नहीं बताऊँगी जो मुझे शेयर करना है। सो आप ये अटैचमेंट देख सकते हो, ये मैंने कस्टमाइज करवाया है, ये उनके पास रेडी नहीं है, रेडी करवाया था। मैंने उनसे पिक्चर शेयर किया था और बोला था भैया कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए कलर लुक जो भी है, तो भैया ने बोला कि हाँ जी रेडी हो जाएगा। और मेरा जो हाल है ना मैं वो आपसे बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही चूज़ी हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, बुरा नहीं मानना, जो रियलिटी है वो बता रही हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ चलो जो मिला ले लिए, मीन्स हाँ प्यारा है तो है, महंगा है तो है, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं है। मेरे साथ है ना बहुत ज़्यादा चूजी हूँ कि ये नहीं तो ये नहीं, ये सही है वो नहीं। देखो बहुत लोग कोऑपरेटिव नहीं मिलते हैं मार्केट में। अभी जन्माष्टमी सीजन चल रहा है, एक मंथ पहले से ही हर शॉप पे रश हो जाता है, तो मुझे ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। कोई मीन्स कुछ भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास होते हैं ना कि सामने वाले मीन्स सब परेशान नहीं होते, बट कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है, मीन्स मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं किसी को भी मीन्स पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ और क्यों बता रही हूँ वो आगे पता चलेगा। तो मुझे बहुत बार ऐसा सुनने को मिला है ना कि लेना तो कुछ है नहीं, बस प्राइस पता करो हो गया और मीन्स राधे राधे। तो ऐसा भी सुनने को मिलता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में। एक बात बताओ, क्या हम किसी अपने लव वन के लिए कुछ भी जाके उठा लेते हैं? नहीं, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि हाँ ये मेरे विग्रह के लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, तब तक मैं नहीं लेती हूँ। और मैं भाई जब मैंने सब क्वेश्चंस क्लियर कर लिया, मीन्स मेरे जो नीड्स हैं वो मुझे मिले नहीं, तो मैं क्यों लूँगी, आप ही बताओ। तो ऐसा भी सुनने को मिलता है, बट कोई नहीं। तो चलो अब इस अटैचमेंट पे आते हैं। तो मैंने पिक शेयर किया भैया से, तो देखो कुछ लोग कोऑपरेटिव भी होते हैं, ठीक है, तो उनके पास भी मीन्स जन्माष्टमी का तो रश उनके पास भी होगा, बट देखो उन्होंने कैसे रिप्लाई किया मेरे क्वेरीज का। तो मैंने उनसे शेयर किया और उसके बाद से उन्होंने बनाया, उनके कारीगरों ने बनाया, तो वो थोड़ा सा अलग था, मीन्स वो भी प्यारा था, बट मुझे जो चाहिए था मीन्स ये वाले टाइप का नहीं था। उसे बनाने में इससे भी ज़्यादा मेहनत लगा था और वो मीन्स उन्होंने रेडी करवाया अपने कारीगरों से, उन्होंने शेयर किया, मुझे नहीं पसंद आया। तो मैंने बोला कि भैया ये मीन्स क्या बोलते हैं, मैंने तो शेयर किया था उससे, ये अलग है, प्यारा तो है बट अलग है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं दूसरा बनवा दूंगा, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से रिप्लाई किया उन्होंने, दूसरा बनवा दूंगा। दूसरा भी उन्होंने रेडी करवाया और दूसरा वाला जो था ना वो ये बन के रेडी हुआ। ये कम्प्लीटली एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हो, ये स्कॉन स्टाइल का, मीन्स आप जानते हो ना कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया है कि मुझे स्कॉन का जो थीम है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो है देख सकते हो आप पास से कितना प्यारा यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। तो मैंने भैया से बोला कि हाँ मुझे दूसरा मीन्स दूसरा चाहिए, ये मीन्स मेरे नीड को ये नहीं कर रहा है। तो भैया ने बोला ठीक है बना देंगे। तो दूसरा उन्होंने ये अटैचमेंट बनाया, तो ये मीन्स बहुत पसंद आया। बनाने के साथ उन्होंने नीचे कमेंट में ये भी किया कि अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो बता दो, मैं दूसरा बनवा लूँगा। इसे कहते हैं ना अपने वर्क के लिए जो मीन्स जो दिल से काम करते हैं, कुछ भी उठा के किसी को नहीं दे देते हैं कि भाई लो मैंने बनाया, मेरा तो मीन्स खर्चा लगा। बट देखो इसीलिए ऐसे लोगों पे मीन्स कन्हैया कृपा भी करते हैं। उन्होंने बताया कि आप टेंशन नहीं लो, मीन्स मुझे भी लगा कि यार मैंने बनवा लिया और ये मुझे पसंद नहीं आया, बट अब भैया का तो वेस्ट होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप
मीन्स ये एक मीन्स निकल ही जाएंगे, मीन्स कोई ना कोई इसे ले ही लेगा। तो अगले ही दिन भैया ने बताया कि इस ये जो यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हो ये अटैचमेंट के लिए ये भी बिक गए और साथ में और भी 10 पेयर के ऑर्डर आ चुके हैं। तो ये है हमारे कन्हैया और राधा रानी की प्यारी सी लीला जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। सो उन्होंने ये अटैचमेंट मेरे अकॉर्डिंग रेडी किया था। तो अगर आपको कोई ऐसा नीड हो कि हाँ मीन्स ऐसा अटैचमेंट चाहिए या कुछ भी कस्टमाइज भी करवाना हो तो आप कस्टमाइज करवा सकते हो, वो बहुत अच्छे से आप मीन्स जो भी क्वेरी, हाँ आप किसी का फिजूल का तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना कि हाँ मीन्स आपको लेना नहीं है बट आप पूछे जा रहे हो, ये भी सही नहीं है। लेना है नहीं पसंद आया तो वो बात दूसरा है, और लेना है पसंद आ गया तो बहुत ही अच्छा है। सो आपको जो भी क्वेरीज जो भी होंगे अगर आपको लेना हो तो मैं इंस्टाग्राम पेज भी आप ब्रजेश्वरी श्रृंगार करके वो भी शेयर कर दूंगी, और मीन्स आप जाके चेक कर लेना। कार्ड तो अभी मेरे पास नहीं रखा उनका, सो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पेज जो है शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके उनसे अगर कुछ भी बनवाना हो अपने श्री विग्रह के लिए तो आप ले सकते हो, और कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मीन्स जो मेरे मन का बात था वो मैंने शेयर किया, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, अगले जन्माष्टमी के शॉपिंग हॉल में।